प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को ऊना भाजपा द्वारा कुष्ठ आश्रम में मनाया गया, जहां पर लोकसभा के मुख्य सचेतक एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कार्यकर्ताओं के संग कुष्ठ रोगियों में फल और मिठाइयां वितरित की। वहीं भाजपा नेताओं ने कुष्ठ रोगियों को पेश आ रही समस्याओं को सुना और समस्याओं के शीघ्र निदान का आश्वासन भी दिया। इस दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, वहीं पीएम की लंबी आयु की कामना भी की। सांसद अनुराग ठाकुर ने पीएम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने काम और व्यवहार के दम पर देशवासियों के दिलों में जगह बनाई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा पीएम के जन्मदिन को गरीब परिवारों के बीच जाकर मना रही है, ताकि उनके साथ कुछ समय व्यतीत कर उनकी समस्याओं को भी सुना जा सके। वहीं एससी एसटी एक्ट पर एक सवाल का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले सत्र में इस एक्ट को पास करने के सभी दलों और सांसदों ने अपना समर्थन दिया था। अनुराग ने कहा कि जो कांग्रेस आज हो हल्ला कर रही है, उसे अपने वीडियो देख लेने चाहिए, ताकि उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल सके। देखिए, पिछले सत्र में सभी राजनीतिक दलों ने, सभी सांसदों ने एक मत से उसको पारित किया, और आप देखें कांग्रेस के उन नेताओं के बयान भी जरा खंगाल के, जो बड़ी बड़ी बातें कल तक करते थे, आज उनका कोई जवाब नहीं आता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा था, उस वीडियो को वापस निकाल कर देखना चाहिए। मुझे लगता है जब आप देखोगे, आपको बहुत सारे उत्तर उसके मिल जाएंगे।